ये नहीं चाहता इसके बच्चे पले बढ़े। हाँ भाई, समीना को कब से जानते हैं तू? अब अगरबत्ती जला भाई, तू जिसको शौक है जलाने का, दे अगरबत्ती। हाँ भाई, समीना को कब से जानते हैं? वाइब्रेट कर रहा है। समीना को कब से जानता है? मेरी आवाज आ रही साल से, है? 16 साल, कितना? 16 साल। इसका धागा काट दे बेटा, ताबीज हटा दे, सर ऊपर कर। 16 साल से देखो अल्लाह की शान है, 16 साल तक इसको कोई मिला ही नहीं अल्लाह वाला। मिला? नहीं मिला। मिला? उफ, बाल भी खोल दे, बल्कि बाल अब क्या खोलने, आधी भी धो गई। दुपट्टा भी बांध दे, इसका स्काफ कर दे यार। अच्छा, तेरे को इतनी छूट दी मैंने, जा ले दुपट्टा भाई। पिन विन डालनी है जो डालने डाल दे, क्योंकि हमारे को तो हाज़िरी कराने के लिए दुपट्टा खोलना पड़ता है, वो जब हाज़िरी हो जाती है तो हमारा काम नहीं है फिर दुपट्टे कस के साथ और बेपर्दगी के साथ। सर पे दुपट्टा रख सही तरीके से। अच्छा, 16 साल से आप इसके साथ हो। सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि आपने सिर्फ सच बोलना है। उम्मीद तो नहीं है वैसे मेरे आपको, आपसे कि आप सच बोलोगे, लेकिन आपसे कोशिश तो करता हूँ कि आप सच बोलो। सबसे पहली बात बताओ कि आप जिंदा हो या मरे हुए? झूठों पे अल्लाह की लानत। क्या बोला मैंने? झूठों पे अल्लाह की लानत। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, ये सबसे बड़ा पहला झूठ बोला कि जिंदा है, जिंदा नहीं। दो लोग अलग अलग बात करें तो दो में से एक तो सच्चा होना चाहिए ना। अब इसने बोला मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मैंने बोला नहीं है, तो हम दोनों में से एक तो सच्चा होना चाहिए ना। अगर जो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लाना चाहे मैं हूँ, ठीक है ना। अगर मैं सच्चा होऊंगा और अल्लाह की मदद होगी तो अल्लाह दिखा देगा कि, और खुद अपने मुंह से बोलेगा कि मैं मर चुका हूँ। अभी तो इसने जिंदा होने का नाटक किया है। जिंदा है ना तू? तो जिंदा तो जिन्नात होते हैं, तू जिन्नात में से? मौलाना तो है कि मैं मौलाना कहा हूँ यार, ये तो सिर्फ तेरे से पूछ रहा हूँ, तो जिंदों में से तो जिन्नातों में से झूठा है। हाथ ऐसे कर, ऊपर हाथ कर, ऊपर हाथ कर, आगे ला हाथ, हाथ आगे ला, बस अभी पता चल जाएगा एक मिनट के अंदर। हजरत यूसुफ मोहम्मद से इसके हाथ पकड़ो, गला पकड़ो, पसलियाँ पकड़ो, चेक करो क्या जिन्नातों में से है या कोई मरा हुआ बदरू हिंदू खबीस है। हाथ पकड़ो, गला पकड़ो, पसलियाँ पकड़ो। तेरे हाथ पकड़े किसी ने हमारे आस्थाने पे, हाँ या ना? मैंने पूछा तेरे हाथ पकड़े किसी ने आस्थाने पे, हाँ या ना? ऊँचा बोल, जोर से बोल, और ऊँचा, सर ऊपर करके बात कर वरना पीटेगा। सर ऊपर कर, मैंने कहा सर ऊपर कर, और तुझे इजाजत है जितना चाहे जलाल दिखा, जितना चाहे गुस्सा कर, तेरा दिल चाहे तो मुझे जान से मार दे, तुझे छूट है। और अगर तूने मुझे जान से ना मारा, रब्बुल आलमीन गवाह है कि आज मैं तेरे को अपनी कर सकता बेटी से, अपनी बहन से अलग कर दूंगा। समीना ना? जी समीना से अलग कर दूंगा, वादा है मेरा। या तो तू समीना से अलग होगा या ये आस्ताना मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे बंद हो जाएगा, मेरे बच्चे राजी हो जाएंगे, आस्ताना बंद हो गया। बता किस चीज़ का? तू बता। शरीयत में कोई बीच में नहीं होता। क्या? मैं हक पर हूँ, शरीयत है मेरी। कौन? समीना। कौन हक पर है भाई? बीवी है मेरी। देखो, चार निकाह किए मैंने इससे। चार निकाह किए? नया आदमी आया जिसने एक औरत से चार निकाह कर लिए। चार निकाह, चार निकाह। अब ये बता तू कौन सी शरीयत के चार निकाह होते हैं? चल कहीं तो टिक। मुसलमान किया है मुझे। किसने? अब मात आ गई, हिंदू है ये, तो मुसलमान हुआ ही नहीं है। खाली कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता, याद रखना। अगर कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान होता तो अमिताभ बच्चन भी कुली फिल्म में कलमा पढ़ा था, वो भी मुसलमान हो जाता। ये कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये तेरी बीवी है, तो पहले तू अपनी जात का सबूत तो दे। तू अगर इंसानों में है तो समझ में आती है तेरी बीवी है, तू तो खुद इंसानों में नहीं है। तू बता दे तू इंसान है तो बात ही खत्म हो गई।
और एक औरत से एक ही निकाह होता है, चार कब होते हैं? चार बार पढ़ा है इन लोगों ने तो चार। इन लोगों ने किसने, इन लोगों ने किसने, इन लोगों ने कौन कुत्ता है जो तेरा निकाह पढ़ाता है इसके साथ? सबसे बड़ा हरामी कौन है बता? तुम मुसलमानों ने। हम मुसलमानों ने, यानी कि इसने तस्लीम कर लिया कि ये मुसलमान नहीं है, तुम मुसलमानों ने चार निकाह पढ़ा है, हैं? चार बार निकाह पढ़ा, चार बार, चार बार। जलाल दिखा अपना, जलाल दिखा, ताकत दिखा, मेरे को ताकत देखनी है तेरी, पूरी ताकत दिखा, पूरी ताकत, जितना तेरे में दम है पूरी ताकत से आ मेरे सामने, पूरी ताकत से आ। आंखें इधर करो कुत्ते, आंखें इधर कर, नाटक करेगा तो थप्पड़ मार दूंगा जोर का, इधर देख, इधर देख, नाटक करेगा मार दूंगा। तूने सबसे बड़ा झूठ बोला, मैं जिन्नू बोला था इसने, अब मैं रब्बुल आलमीन को गवाह करके कहता हूं जिन्नातों में नहीं है। क्यों? जिन्नात होता तो इसके हाथ ऐसे ही रहते, हमारे वाले पकड़ते छोड़ते नहीं है। कई वीडियो देख लेना, उसमें हमारे वालों ने जिन्नातों को पकड़ा तो छोड़ा नहीं है आखिर तक, लड़की जब तक मैं गिराता नहीं हूं ऐसे हाथ रहते हैं। इसके हाथ छूट गए जिन्ना तो। अब मैं इसको मार पीट के पाकिस्तानी पुलिस की तरह, जैसे पाकिस्तानी पुलिस मारे बंदे को तो हाथी भी कहता है मैं हिरन हूं, तो मार पीट के इसको मैंने जबरदस्ती कायल नहीं करना कि तू मारा हुआ है, मारू पीटू तो बंदा सामने वाला बोलेगा तुमने मारा, इसने तस्लीम किया, बोल दिया। अब पहली बात तो ये हो गई कि तू जिन्नात में नहीं है। चल फिर भी मैं तेरे को बोलता हूँ कि अगर तू जिन्नात होता बकौल तेरे, तो मुसलमान औरत से तेरा निकाह कैसे हो सकता है? और वो कौन कुत्ते के बच्चे थे चार जिन्होंने एक औरत का निकाह किसी जिन से पढ़वा दिया? बता, शरीयत में कहाँ जायज है कि जिन्नात की इंसान से निकाह होते हैं? जवाब दे दे मुझे, कहीं पर निकाह होते हैं भाई? तुम औरतें बताओ मेरे को, जिताओ, निकाह होते हैं जिन्नातों से? जबान से तो बोलो, शक्लें नहीं आ रही, आवाज तो निकालो, निकाह होते हैं औरतों के जिन्नातों से? नहीं होते। अब तुम मेरे को बताओ वो कुत्ते का बच्चा कौन सा मुसलमान था, हबी खबीस हरामी की नस्ल थी, इसने तेरे चार निकाह पढ़ा दिए? जल्दी बता, बता ना। आंखें ऐसे टाइट रख, मेरे को खुशी होती है, और बड़ी आंखें कर, सर ऊपर कर। पहली बार अब तेरे हाथ पकड़े किसी ने हमारे आस्थाने पे, सर ऊपर कर, वरना मेरे को मजबूर नहीं करके मैं कोई अजियत दूं, और मैं अजियत दे के किसी को ज़बरदस्ती जो है ना वो नहीं करना चाहता। सिर्फ तेरे को बोला ये सर जो है ना ये छुरी रखूँगा, आगे तो तेरे को तकलीफ होगी, ये सर मेरे को ऐसा चाहिए, देख वो ऐसा, बस 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 बस, नीचे नहीं करना, आँखें खोल दे, अब देख मेरे को, आँखें खोल दे, मुझे देख, चार निकाह पड़े तूने? हाँ या ना? चार निकाह पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई जब पहला निकाह हो गया था? वो हर बार इन लोगों ने पढ़वाया, किन लोगों ने पढ़वाया? क्या इसकी शादी चार बार हुई है? दूसरी शादी है, दूसरी शादी है। अच्छा, जो दूसरी शादी है, पहली शादी हुई इसकी, और ये मैं तुमको फिर कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले शोर को मारने वाला ये खुद है, पहले शोर का एक बच्चा जाया करने वाला ये खुद है, इसके पांच बच्चे जाया करने वाला यही खबीस है। अल्लाह माँ के पेट के बच्चे नहीं मारता, ये जो शरारती होते हैं ना इबलीस के पैरों का, ये मारते हैं। आंखें खोल के रख, देख, तेरा मेरा झगड़ा जब होगा जब तू आंखें टाइट करके मुझे सामने नहीं देखेगा। और तू तू तेरे को बोल रहा हूँ, तू मेरे रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर कि तू मेरे सामने बैठा है। किसी और के सामने बैठा होता ना तो वो तुझे भी इस्तेमाल करता। मेरा काम नहीं है कि मैं बदरुओं को, जिन्नातों को, खबीस लोगों को यूज़ करूं। आंखें खोल के रख, और नशेबाजी करेगा, शरारतें करेगा, फिर मैं थप्पड़ मार दूंगा, फिर नहीं बोलना कि थप्पड़ मार के तूने ज़बरदस्ती की है। आंखों में आंखें डाल, गुस्से से देख, दुश्मन की ताकत तेरे में दम है। तो तूने बोला ना मैं ताकत वाला, बोला था ना, सर ऐसे रख के वो जबान से बात कर, तूने बोला था मैं ताकत वाला हूँ? जबान से बोल। हाँ। ऊंचा बोल। हाँ, बोला था। तूने ये भी बोला था कि मैं जिन्नातों में से हूँ? हूँ। साबित कर तू कैसे जिन्नात है, फिर साबित कर, क्या ताकत है तेरे में बता, जिन्नातों में ताकत होती ही नहीं होती, हाँ या ना? और अब ये तू मेरे को बता कि तेरा ध्यान
हुआ है, तेरी चिता जली है पहले? नहीं जली। अच्छा तू 16 साल पहले इसको पकड़ा तो क्या इसकी शादी हो चुकी थी? नहीं। शादी से पहले पकड़ा तूने? मेरी बात सच साबित हुई, मैंने बोला शादी के पहले का कीड़ा है तो तू मुस्कुराया, सही बात है। चल अब तेरी चाहत क्या है? समिया को लेके जाना है तो तू मुर्दा है, जाहिरी बात है मार के लेके जाएगा, वो तूने कोशिश भी बहुत की होगी इसको मारने की, कोशिश की है ना समीना को जान से मारने की? अच्छा समीना से मोहब्बत करता है या नहीं? अच्छा कौन से इलाके से पकड़ा था 16 साल पहले? कहाँ थी ये? कहाँ रहती थी भाई शादी से पहले, पहली शादी से पहले? और इसका भाई इधर आ जाना, मेरे बाप तू तो मेरा बाप बन के बैठा हुआ इतनी दूर, और इधर इधर ये झूठों का इधर इधर हटो, इधर बैठ, इसको पहले एक थप्पड़ मारू मैं इसको। नाम क्या है तेरा? इधर इधर देख, इधर हंसने का कुछ नहीं है, क्यों हंस रहा है तू? अबे सीधा बैठ, हंस क्यों रहा है? बकार ना, तेरी भी बहन को शादी से पहले मसला नहीं था? ये झूठ बोल रहा है या तू झूठ बोल रहा है? मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, मैं तो सुबह आता हूँ शाम में आता हूँ। यार क्या नई बातें कर रहा है, सुबह जाता हूँ शाम में आ जाता हूँ, मुझे इस बारे में पता ही नहीं है ना। कैसे पता नहीं है यार, घर में नहीं होता तू? तेरी माँ को भी पता होगा इस चीज का, कैसे सब प्रॉब्लम है? अम्मी को पता होगा, मेरे को नहीं पता, मैं सुबह जाता हूँ शाम में आता हूँ। यार सारी दुनिया के मर्द सुबह जाते शाम में आते हैं, उनकी घर में कोई मसले होते तो पता चलता है सबको। साहब रात को मैं 3 बजे घर में घुसता हूँ। ये कौन सी मेरे मुंह से गालियां सुन रहा है? कौन सी शाम है ये भाई? 2 डबल जॉबें करता हूँ मैं। तूने बोला सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, शाम कौन सी 3 बजे रात को शाम होती है? 6 बजे आता हूँ घर में, 7 बजे फिर चले आता हूँ, फिर 3 बजे घुसता हूँ। मुझे इस बारे में नहीं पता, अम्मी को बताओ जो बात है। सर अंदर साहब बात ये है ना कि वालदा जो मेरी सास है ना, कहाँ रहता था भाई तू? उनकी दूसरी शादी है। अरे यार अब इसलिए ना, ये दूसरे उससे शोर से, ये पहले वाले शोर से। इसका मतलब है इसकी माँ का भी बाजा बजा हुआ है? जी सर। हाँ उनके साथ भी है मसला, तो इसलिए इनको नहीं पता है? उनके साथ भी है मसला। तो फिर क्या कर रहे हो तुम, हाथ में हाथ रख के बैठे हो? नहीं दिखा रहे हो, काफी लोगों को दिखाया, कोई बोले इतने पैसे दो, कोई बोले इतने, कोई बोला बकरी लाओ, कोई बोला वो मुर्गी लेकर आओ। ये मेरे को समझ में नहीं आता, तुम कैसे बेवकूफ लोग हो यार। तुम लोगों को कोई किसी को दावत इस्लामी नजर नहीं आती बगैर पैसे वाली? अभी बशीर फारूक की नजर नहीं आता बगैर पैसे वाली? अभी क्यों, कुरंगी चार पे मस्जिद है। अबे यार मैं बोलता हूँ बशीर फारूक की तो यह सिलानी में बैठा हुआ है, कौन सा कुरंगी कार में? कुरंगी चार मुंगार मार्केट है, उसके सामने मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? तू पहुंच जा किसी देवबंदियों के पास, इसका क्या मतलब है? वो ये दाऊद इस्लामी। तो दाऊद से तेरे को कभी किसी ने बोला कि यहाँ इलाज होते हैं? नहीं, हम इस चक्कर में पड़े नहीं है ना। अबे यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, चक्करों में नहीं पड़े, चक्करों में इंसान अपनी मर्जी से पड़ता है यहाँ। ये तकलीफ होती तो चक्करों में आता है, फिर चक्करों में नहीं पड़े। दावत इस्लामी की हर मस्जिद के अंदर एक आलिम बैठा है, हर मदरसे में इलाज होता है यार, हर मदरसे में तावीज तारिया मिलता है यार, बशी फारूकी के यहाँ तावीज मिलता है, पानी मिलता है, सब मिलता है। हमें तो अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन 6 साल हुए मुझे तो, इससे पहले के रूहानी इलाज दुनिया में नहीं होते थे क्या? ये जैसे खबीस काबू करके रखते थे बहन बेटियों को, वो अपनी मनमानी करते इसके अंदर बैठ के। तू बता भाई, जब तूने इसको पहली दफा पकड़ा था कहाँ रहती थी ये? कसाई के घर में है? कसाईयों के घर में। अब ये कसाई का घर कहाँ है? इलाका कोरंगी, वहां रहती थी ये। अच्छा तो तूने किस वक्त सुबह पकड़ा, दिन में पकड़ा, रात में पकड़ा, वो पकड़ने की वजह क्या थी? पकड़ने की वजह क्यों पकड़ा? कौन पंगे ले रही थी? अबे कुत्ते की औलाद, ये बिचारी को तो तू नजर ही नहीं आया, पंगा कैसे लेगा बंदा? यहाँ इतने सारे जिन्नात और इतने सारे अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, जब कोई किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई किसी से पंगा लेगा कैसे? और अगर तू मुसलमान, तूने बोला था मैं मुसलमान बोला था जी, बोला था। सबसे बड़ी तेरी निशानी मुसलमान ना होने की है कि तू मेरे आस्थाने पे देख ही नहीं पा रहा है कि अल्लाह के वली कितने हैं यहाँ, कितने जिन्नात बैठे हैं यहाँ। तू मुसलमान होता ना सब देखता। वो जो तो हिल रहा है ना, खुदा की कसम ये मेरी बाबागिरी बोलती है कि तू मरा हुआ है, मैं तेरे को हिला रहा हूँ, मैं हिला रहा हूँ तेरे को। ये अल्लाह की मदद है मेरे साथ। मुसलमान की भी पहचान होती है यहाँ पे, हिंदू की भी पहचान होती है, मरे हुए की भी पहचान होती है, जिन्नात की भी पहचान होती है यहाँ। तुझे पता है मेरे साथ 21 अल्लाह के वली है इस वक्त, वो बेतहाशा जिन्नात, वो भी मेरे हजरत मौलाना इलियास कादिर साहब के मुरीद जिन्नात में बैठे हैं। इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है।
चल तूने जमान टाउन से पकड़ा था तो स्टोरी तो सुना था थोड़ी थी, फिर क्या हुआ? इसने पंगा लिया तेरे से? सबसे पहली बात ये, तू नजर आया इसको? नजर आया था? किस शक्ल में नजर आया? इसकी माँ के रूप में? फिर जब से तू इसके साथ है तो तूने शादी क्यों होने दी पहली? इसकी नंबर एक जिसके साथ मामला तो थे वो शादी नहीं होने देते हैं? किसने क्या बोला था? ऊंचा बोल जोर से बे। नहीं करना। ऊंचा बोल। नहीं करना। फिर कर दी इन लोगों ने। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैंने मार दिया उसको। नारे रिसालत। उसने भी तो मारा था इसको। सबर। क्यों मारा? सबर, मारपीट की बात नहीं है, तूने तो जान से मार दिया। हाँ या ना? जो उसने क्या हुआ, मैंने क्या हुआ, मर गया। साबित हो गया ये मारा इसने? मैंने तो नहीं बोला ना इसको मारपीट के, मैंने तो सिर्फ बोला कि इसने मारा है। चल इसके अलावा तूने इसके 5 बच्चे मारे, दूसरी शादी में नहीं मारे, हाँ या ना? ये जो मैंने पूछा उसका जवाब दे, तूने बच्चे इसके मारे हैं या नहीं? वो मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ पैर की। तूने इसकी 5 बच्चे मारे हैं या नहीं? नहीं मारे। अब ये खुद बोलेगा कि मैंने 5 बच्चे मारे, क्यों बोलेगा? बच्चे किसके होते हैं? बच्चे उंगली से पैदा नहीं होते, और इसके बच्चे होते ना तो खुदा की कसम आज दुनिया में होते। इसके बच्चे थे ना, इसे अपने बच्चे ले लिए। ये कुत्ता सोया उसके साथ तो 5 बच्चे पैदा हुए थे, मैं साफ बता रहा हूँ बात। पहले शोर के मामले में भी यही हुआ था, अपना बच्चा ले लिया इसे। इस औरत को भी तू क्या चाहता है? इस औरत के साथ क्या चाहता है तू बता। चल तू 16 साल से कर क्या रहा इस गरीब के साथ बता। मैं ये कर रहा हूँ उसके साथ, पूरा कर रहा हूँ। मैं क्या नहीं दे रहा इसको, ये लोग सब चले जाएं, ये लोग सब छोड़ दें इसको, छोड़ दे अकेला। फिर अच्छा अच्छा अकेला छोड़ दे, फिर क्या करेगा तू? तू बता क्या करेगा तू? साथ होंगे, साथ तू कैसे साथ है? हमको तो, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा तू साथ कहाँ है। मेरे सामने तो सबीन बैठी है, तू कहाँ है? फिर आंखें बड़ी करो कुत्ते, आंखें बड़ी नहीं करेगा छूट मुंह पे थप्पड़ आ जाएगा। बड़ी आंखें कर, दुश्मन की तरह देख मेरे को। तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी है, हाँ या ना? इससे पहले इस तरीके से बात की है तुमने किसी के सामने? नहीं। मुझे बोल। नहीं। क्यों नहीं की? क्यों, तुझे मिला नहीं कोई इतना बड़ा पहलवान? तेरे को तेरी टक्कर का कोई नहीं मिला? जवाब दे, जवाब, जवाब दे। मैं किसी से बात नहीं करता। तो यहाँ क्यों मर बात कर रहा है? तू मजबूर कर रहा है मुझे। मैंने कब तेरे को मारपीट की है, मजबूर किया है? झूठ बोलता है तू मेरे नाम पे, सब गवाह, मैंने उंगली भी लगाई तेरे को। क्या मजबूरी थी मैंने तेरे को बात करने के लिए? तू ताकत वाला होता तो वहां से निकल के यहां भी नहीं आता। तू इस चीज को मान ले कि तू ताकत वाला नहीं है। इसने तोड़ा है मुझे। किसने? जगह जगह से दम दरूद तावीज ला ला के इसने तोड़ा है मुझे, वरना मैं बताता क्या हूँ मैं? अब बता दे, तुझे तावीज तो मैं निकाल चुका हूँ, तुझे इजाजत है सबके सामने, तेरे को छूट है, जो मेरा बेड़ा गर्क कर सकता तू कर दे, जा। मार दिया ना? किसने? किसने मार दिया? किसको मार दिया? अगर इसने तेरे को मार दिया, तू तो अभी भी मौजूद है, सामने बैठा है, बात कर रहा है। ये लड़की को तो बिचारी को पसंद नहीं, तू मुझसे क्या बात कर रहा है? कलंदरी पहला बनाओ भाई, जल्दी कर। क्या चाहता है तू बता, चाहत बता। सब चले जाओ, मैं अकेला इसके साथ रहूंगा। सब चले जाओ, मैं अकेला इसके साथ रहूंगा। अगर समझ में आ रही है लोगों को मेरी बात, ये शबीन जो है हमारी बेटी और बहन की तरह है, और हम इतने बेगैरत नहीं है कि तेरे ऐसे कुत्ते छोड़ दें हमारी बहन बेटियों के साथ। इधर देख, आके खोल। अब जाना तेरे को है इनको नहीं, या तो तू शराफत से जाएगा, या मैं अल्लाह के हुक्म से इतनी ताकत रखता हूं कि तेरे ऐसे खबीसों को बाहर निकाल दूं, इसके जिस्म से अलग कर दूं। आंखें ऊपर, आंखें ऊपर, इधर इधर, मेरी आंखों में आंखें, आंखें इधर। तू शराफत से जा रहा है इसको छोड़ के, या मैं तुझे निकाल दूं? आंखें खोल के रख, तेरा बाप भी जाएगा। मैं शराफत से बात कर रहा हूं ना, तो तू बात मान नहीं रहा। देखो पेन कहीं इधर उधर पड़ा है तो देख लो, इधर इधर मदीने के पास। चलो मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, इसलिए तो बोलता नहीं जाऊँगा। तेरे मेरी सारी स्टोरी सुन ली, ठीक है? तूने इसको पकड़ा, तूने इसको बीमारियाँ भी दी होंगी, सर ऊपर कर। बीमारियाँ दी, हाँ या ना? ऊंचा। हाँ।
हाँ दिए ऊंचा। हाँ? जब कोई किसी को पसंद करता है उसको बीमारी देता है? सवाल का जवाब दे। अब बीमारी देता है कोई किसी को अच्छा लगता है तो? कोई किसी को पसंद हो तो वो उसको तकलीफें देता है, हाँ या ना? तूने तकलीफें दी? दी? हाँ। क्यों दी? क्योंकि अगली मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये नहीं रहना चाहती? अच्छा ये क्यों नहीं? पानी और डालो। ये क्यों? इनको किसी को चखाओ, इसको चखाओ जरा, पता चल जाए है क्या ये बेवकूफ तो नहीं बनाना चाचा ये ऐसे चम्मच वमच तो ला। ये अंदर वाली चम्मच ही ले ली तुम लोगों ने यार। थोड़ा थोड़ा पानी और डाल, चेक करा दे क्या है ये। हाँ भाई क्या चीज है? कलंदरी प्याला है ना? नहीं कलंदरी प्याला तो है लेकिन मतलब रंग तो नहीं है ना लाल। नहीं समझ गया। नहीं समझ गया? तू मुंह से ऊंचा बोल, इसके मुंह के सामने बोल कुत्ते के कि मैं लाल मिर्च मिला के पिला रहा हूँ। बोल इसके सामने लाल मिर्च मिला के पिला रहे। तू ना बोल नहीं पीऊंगा, फिर भी देख अल्लाह की शान। तू ये बोल कि मैं लड़की को पिला दूंगा सबीन को, तो भी तू पिला के दिखा, तू पिएगा तो तू अपने मुंह से बोलेगा अल्लाह के हुक्म से कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, मैं थक गया। आंखें बड़ी गर्म दूसरे से देख दुश्मनों की तरह। लग इधर। अब बता आस्ताने में किसी ने तेरे हाथ पकड़े हाँ या ना? जबान से बोल कुत्ते जबान से, हाँ या ना? और ऊंचा बोल, ताकत से बोल, ताकत से। ये बच्चा किसके साथ है छोटा? गार्डन में आए हो, पार्क में आए हो? आपने बुलाया था तो उसको, इसके उधर बैठा है। आपने उसको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया था। तो वो कौन है? वो भी उधर बैठा है। अबे भाई कौन है तेरा? बेटा है मेरा। इसका बेटा है? नहीं मेरा बेटा है, पहले बीवी से उसका इंतकाल हो गया। तेरी भी दूसरी शादी है? केस पे केस है भाई, बचाव ये भी नहीं होगा, बचा हुआ ये भी नहीं होगा। कुछ काम की बात कर ले, जबान खोल, गुस्से से बात कर, दुश्मन की तरह बात कर। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं लेकिन इतना जरूर है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूं, तू समझ पाए या ना समझ पाए अल्लाह देख पाए। मैं वाहिद आदमी हूं तेरी जो मदद कर रहा हूं, और मेरे बनाए हुए अल्लाह की मदद से पांच अपने जैसे वो निकालते हैं मरे हुए। अगर तू जिन्नात होता ना तो ये कब का तेरा काम करा चुका होता किसी और के जरिए, लेकिन तू जिन नहीं है, तू मरा हुआ है। समझ में आ रही है तेरे? कि मैं नहीं बोलूंगा, अल्लाह ने चाहा तो तू अपने मुंह से बोलेगा कि मैं मरा हुआ हूं और मैं हिंदू भी हूं और मेरी चिता भी जल चुकी है। ये अल्फाज तेरे होंगे, मेरे रब ने चाहा तो। मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, खाली चाहत बता दे। तू नाम बता तेरी बीवी का? समीना। सबीना को छोड़ना चाहता है? नहीं हाँ या ना बस। सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह। छोड़ना चाहता है पूरी ईमानदारी से? इसकी सारी तकलीफें निकालेगा एक मिनट के अंदर, हाँ या ना? ठीक है, जब मैं बोलूँगा जब निकाल देना। सुन, अच्छा बात सुन। पहली बात ये होती है कि जो इंसान होता है ना, मरा हुआ इंसान, उसके लिए यह कब्रस्ता, ठीक है, या है उसकी चिता को जलाया जाता है, ठीक है। दो बात है, वो जो जिन होता है ना जिन, उसका ठिकाना होता है जिन्नातों की जेल, ठीक है। अब तू मेरे को बता एक बात कि तेरे को जिन्नातों की जेल में भेजूँ या तेरे को ईसा नगरी कब्रस्तान याकूब शाह बाबा के मज़ार पे भेजूँ, वहाँ जाके तू मेरा सलाम दे देना और तो मेरा नाम बोल पीर सोबत कलंदरी, बोलना मेरा नाम बोल, बोल पीर सोबत कलंदरी, बोल मेरा नाम बोल, आंखें लग गए, नाम बोल मेरा सोबत कलंदरी, पीर सोबत कलंदरी, पीर सोबत कलंदरी, पूरा बोल सोबत कलंदरी, पीर सोबत कलंदरी। मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए तो तू अपनी मनमानी कर, मुक्ति चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तुझे मुक्ति चाहिए हाँ या ना?
ऊंचा बोल, ऊंचा अपने मुंह से बोल के तुझे मुक्ति चाहिए नहीं मैं चाहिए, अपने मुंह से बोल तुझे मुक्ति चाहिए, सही बोल। मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति कौन मांगता है भाई? जो हिंदू होता है वो मांगता है, मुसलमान मांगता है, नंबर एक है। मुक्ति कौन मांगता है, जिन मांगेगा या मरा हुआ मांगेगा? मरा हुआ। अब भी नहीं मानता तू मरा हुआ है? अब भी नहीं मानता तेरी चिता जली है? हाँ या ना? जबान से बोल, जोर से बोल, जलाइए। सुभान अल्लाह। इसकी चिता जली है, मान गया ना ये जी? और ये भी मान गया हिंदू है, और ये भी मान गया कि मरा हुआ है। चल तेरे लिए आसानी फरमा देता हूँ, आसानी कर दूँ? हाँ या ना, जल्दी बोल। ईसा नगरी कब्रिस्तान चला जा, हमारा सलाम दे दे याकूब शाह बाबा के मज़ार पे, तेरे को तेरा रास्ता मिल जाएगा। शरारती, तूने इसकी तकलीफें निकाली नहीं एक मिनट के अंदर, और तकलीफें निकालने का वक्त भी बताता हूँ मैं, किस वक्त निकालनी है। मैं 3 बार दम करूँगा, 4थी दफ़ा मौला अली का नारा लगाऊंगा, ये बेहोश होगी। समरीन ना? समीना। समीना, समीना बेहोश होगी, तू इसके जिस्म से सारी तकलीफें निकालेगा और तू चला जाएगा, और हमारे वाले यहाँ खड़े हुए हैं हजरत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ, वो दोनों तुझे लेके चले जाएंगे, ठीक है? ये एक आसान तरीका। दूसरा तरीका ये है कि पेट्रोल मेरे पास है, मैं तेरी चिता को यहीं जला दूँ। एक मरतबा तेरी चिता जली है ना, सरमतीला जबान से बोल, जबान से बोल, जबान से, चिता जली है ना, तेरी चिता जली है ना, हाँ या ना? ऊंचा बोल, ऊंचा। चिता जली है ना? तुझे पता है ना कितनी तकलीफ होती है? नहीं जलाऊ ना? ठीक है। तीसरा रास्ता कि हमारे पास बबर शेर है जिसका नाम है शेरा, वो तुझे खा जाए। अच्छा, खा जाए तो तैयार नहीं है, चिता जलाने पे तैयार नहीं है, इसका मतलब है याकूब शाह बाबा के मजार पे सलाम देने पे जाऊंगा। जाऊंगा कहाँ? याकूब शाह बाबा के मजार जाऊंगा, ईसा नगरी कब्रिस्तान, हिला इसको, और ये हमारा कलंदरी प्याला पी के जाना पड़ेगा, ये पहली शर्त है, पहली शर्त है, ये पीना है, नहीं बोलेगा तो मैं मुक्ति नहीं दूंगा। साफ बात है, मैं देख जितनी बात करता हूँ ना सच बोलता हूँ, और मैं कहता हूँ झूठों पे अल्लाह की लानत, मैंने जितनी बातें की तेरे सच बोली, तूने मुझसे झूठ बोलता रहा, मुतवातर में जीन हूँ, फलाना हूँ, ढिंकाना हूँ, मेरी 4 शादियाँ हो गई, फलाना हूँ। तू बता कि तुम्हारे हिंदुओं के अंदर, तुम्हारे हिंदू मजहब में कितनी शादी होती है औरत से? एक फेरा लेते एक ही बार। झूठ बोल रहा है, एक फेरा नहीं लेते, 7 फेरे लेते, फेरे सच बोला कर, सच बोला कर। अब तो समझ में आता है ये हिंदू है, ये अब भी समझ में नहीं आती है बात? ऊंचा 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 बोल। अग्नि को साक्षी मानते और किसी को नहीं। अग्नि को साक्षी मानते हैं। या अल्लाह, तू कितना करीम है परवरदिगार, कैसे इज्जत रखी है तूने मेरी, सुभान अल्लाह। ये तूने अपनी जिंदगी में, जब तू पहले था, पहले जब था तू मरने से पहले, तूने कभी लाल शाह कलंदर का नाम सुना है? औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, शमीना की, तूने सुना है? सुना है, यहाँ के बहुत सुना है। सुन मेरी बात, तू 3 बार बोलेगा अली हक के, 4थी दफ़ा तू बोलेगा कि मैं लाल शहबाज कलंदर पाक के नाम का प्याला पी रहा हूँ। ये तुम हिंदू लोग पीते हो ना? नहीं। शंकर भगवान के नाम के प्याले पीते हो ना? हाँ या ना? पीते हो ना? नहीं। शंकर भगवान के प्याले नहीं पीते हो? ये नहीं पीते हो? ये नहीं, शंकर भगवान के नाम के प्याले पीते हो? पीता हूँ। ठीक है, गौमूत्र पीते हो? पीता हूँ। पीते हो ना, मतलब अपने हिंदुओं के मुताबिक सब करते हो ना? ठीक है ना, अब हम अपने मुसलमान होने के नाते उस तरीके से चलाएंगे फिर तेरे को, तुझे हमारा कलंदरी प्याला पीना पड़ेगा, नहीं पिएगा तो मैं मुक्ति नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा, घूमता रहेगा, जलील होता रहेगा, रुस्वा होता रहेगा, और ये तेरे को 50 फीरों के पास लेके जाएगा, लेकिन अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कोई तेरी जान नहीं छुड़ाएगा। क्यों नहीं छुड़ाएगा? कि तू जिन नहीं है, मरा हुआ है, और जिधर भी लेके जाएगा, जिधर भी तू जाएगा ना, तू यही झूठ बोलेगा मैं जिन हूं, और वो इस तरह देख पढ़ाई दे देगा जिन्नातों की, जो मेरे पास किसी ने भेजी थी पढ़ाई, ये जिन्नातों की पढ़ाई पढ़ लो, शिफा हो जाती है, जिन निकल जाता है। यही होता है सारे कराची में, बल्कि दुनिया में, जिन्नातों की पढ़ाई दे देते हैं, वो जिन्नातों की पढ़ाई से खुश रहते हैं, तो तुम्हारी जैसे जान नहीं छोड़ते फिर। तू खुद तकलीफ में है, नहीं बता ये मेरे को, तू बता के तू इसके साथ रह के खुश है या अजियत में? अब नहीं हूँ। अब नहीं है मतलब? मतलब ये चला जाए। कौन? इसकी बात ना कर, मुसलमान है ये, इसका शोर है।
इसका शोर नहीं है भैया, तो फिर उल्टी बात कर रहा है, तो फिर मेरे को मजबूर कर रहा है मैं तेरे को मारूं। इसने क्या बोला? तू शोर है इसका भाई, सबके सामने इसने क्या बोला? शोर। जोर से बोल। हाँ। कितनी शादी हुई तेरी? इन्होंने चार पढ़ाए थे। ये कहाँ से आ गया बीच में? अपनी बात करना तू। तो मुसलमानों ने चार दफा पढ़ाया निकाह। तो ये तूने कैसे पढ़ लिया? मैंने भी तो था वहाँ। तूने कैसे पढ़ लिया अग्नि को साक्षी मानकर? तूने तो इससे एक ही बार पढ़ा होगा ना। तो एक ही होता है। फेरा एक होता है या सात होते हैं? सात होते हैं ना। अब तू मेरे को एक बात बता, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी, जब तू हिंदू था, जब तेरी चिता नहीं जलाती जली थी, तेरी बहन बेटी को कोई अजियत देता, तकलीफ देता, इस तरीके से कोई मरा हुआ पकड़ता, तुझे अच्छा लगता? सवाल का जवाब, तेरी बहन बेटी के साथ कोई इस तरह का? नहीं। ऊंचा बोल। नहीं। ऊंचा ऊंचा। नहीं। अच्छा लगता? कभी भी नहीं। तू हमारी मुसलमान की बहन बेटी को पकड़ ले, तेरे लिए जाइज है। ले जाऊंगा। क्या? नहीं जाऊंगा जो तू भेज रहा है। का क्या बोला? नहीं जाऊंगा जो तू भेज रहा है। नहीं जाएगा? जाऊंगा। जाएगा ना। इसके सर में दुपट्टा रख यार, आंखें खोलो, आंखें खोलो कुत्ते, तकलीफ हो रही तो बताना, आंखें खोल, बड़ी बड़ी आंखें कर, गुस्से से देख, तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है, हाँ या ना? जवाब दे। हाँ। जाएगा उधर? जा रहा हूँ ना। लेकिन शर्त वही है, कलंदरी प्याला पीना पड़ेगा, हाँ या ना? वो नहीं पीऊंगा। तेरा बाप भी पिएगा। पीऊंगा। क्यों मना करना? कायम तो रहे अपनी जबान पे। हाथ से प्याला खुद उठा, उठा प्याला, उठा प्याला, उठा, उठा के दे। तो हाथ ऊपर कर, मेरे पास लेकर आ हाथ, बोल तीन बार अली हक है। पी रहा हूं ना। जो मैं बोला वो बोल, बोल अली हक है। हजम नहीं हो रहा तेरे को? तू तो मुसलमान बोला ना अपने आप को, मेरे मौला अली का नाम हजम नहीं हो रहा तेरे को? बोल तीन बार अली हक है, बोल बोल, वरना मुक्ति नहीं दूंगा मैं, बोल, ना मुक्ति दूंगा ना गिलास पिलाऊंगा फिर, बोल अली हक है, बोल अली हक है। शरार दूंगा हैं? ऐसी पी लूंगा। चल इतना बोल दे, कलंदर पाक के नाम का पी लो, आंखें दे। वो नहीं बोलूंगा। कलंदर पाक का नाम ही नहीं लेगा? नहीं। अली हक भी नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। और ये प्याला तू समीना को पिलाएगा या तू पिएगा? मैं पीऊंगा।